दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हरियाणा के पानीपत शहर में हैं और हरियाणा में इस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा है और हरियाणा का ये इलाका इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं। चुनाव भी एक तरह का सियासी युद्ध है, तो उससे पहले हमने ये देखने की कोशिश की कि हरियाणा का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो हरियाणा वो राज्य है जिसके शहर कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ, जिसके शहर पानीपत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई जिन्होंने भारत के मध्यकालीन इतिहास पर एक बहुत बड़ा असर डाला। इस समय हम पानीपत शहर में जहाँ हैं ये कालाम नाम की जगह है और यहाँ पर वो स्मारक बना हुआ है जहाँ पर पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई और ये बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ थीं। इन लड़ाइयों का इतिहास हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस स्मारक पर उन लड़ाइयों के इतिहास को किस तरह से सहेजा गया है। तो ये कलाम पार्क की लोकेशन है और यहाँ पानीपत के 3रे युद्ध का स्मृति चिन्ह है जिसे काला अंब कहा जाता है और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चंडीगढ़ मंडल के तहत आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और यहाँ 3 बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई। इस लड़ाई में मुगल बादशाह बाबर की सेना ने दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी की सेना को हराया था। यह लड़ाई उन शुरुआती लड़ाइयों में से एक थी जिनमें बारूद, आग्नेयास्त्र और मैदानी तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था। इस जीत के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई और दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। ये एक पत्थर लगाया गया है यहाँ पर जिसमें पानीपत के युद्धों के इतिहास को बहुत संक्षेप में बताया गया है और इस पत्थर पर लिखा है कि यह स्मारक पानीपत के मैदान में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाइयों की यादगार है जिन्होंने इस देश के इतिहास को नई दिशा दी। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता हासिल की। दूसरे युद्ध में अकबर ने बैरम खां की सहायता से आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री हेमू को 1556 ईस्वी में हराया। तीसरा युद्ध 1761 में एक ओर अहमद शाह अब्दाली और दूसरी ओर सदाशिव भाऊ और विश्वेश्वर राव पेशवा के नेतृत्व में मराठा सेना के बीच में हुआ और इस युद्ध में मराठा सेना में भगदड़ मच गई, कई सैनिक मारे गए और मराठा पराजित हो गए और जिसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। और इस तरह से ये मध्यकालीन इतिहास पर अगर नज़र डालें भारत के, तो उस दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये पानीपत शहर की। और इतिहास में पानीपत की लड़ाइयाँ पढ़ाई जाती हैं। भारतीय इतिहास पानीपत की लड़ाई के बिना अधूरा है और इस वक्त यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। पानीपत हरियाणा का बहुत महत्वपूर्ण शहर है, यूपी के शामली से केवल 35 किलोमीटर की दूरी पर है पानीपत शहर। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पार्क है ये मेंटेन किया गया है यहाँ पर इस तरह से देखने वालों के लिए। हालांकि यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ नहीं है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी और मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच हुआ था। बाबर इस युद्ध में जीत गया था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। पानीपत के पहले युद्ध के जो बड़े कारण हैं उनमें एक बड़ा कारण ये है कि इब्राहिम लोदी अपने सरदारों पर विश्वास नहीं रखता था। इस कारण धीरे धीरे उसके सरदारों का भी इब्राहिम लोदी के प्रति विश्वास डिगने लगा और धीरे धीरे उसके सरदार उसके शासन से नाखुश होते चले गए। उत्तराधिकार के निर्धारण के दौरान इब्राहिम लोदी को अपने राज्य का एक हिस्सा अपने भाई जलाल खां को देना पड़ा और जलाल खां को जौनपुर का शासक नियुक्त करना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद उसने अपने इस फैसले को पलट दिया। मेवाड़ के समकालीन शासक राणा संग्राम के साथ वह युद्ध में लंबे समय तक उलझा रहा और अंततः पराजित भी हुआ।
इससे उसकी सेना की शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी का चाचा आजम खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दे दिया और बाबर अपनी सेना के साथ भारत की तरफ बढ़ चला। दिल्ली के सिंहासन पर इब्राहिम लोधी उस समय मजबूती से आसीन था। गुजरात, मालवा और बंगाल के क्षेत्र में अन्य अफगान शासक शासन कर रहे थे। पंजाब में दौलत खां लोधी का शासन था, मेवाड़ में राणा संग्राम सिंह का शासन था, दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य था, दक्षिण में विजयनगर ही छोटे छोटे 5 मुस्लिम राज्यों बीदर, बरार, बीजापुर, गोलाकुंडा और अहमदनगर में विभाजित था। इस दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति बेहद कमज़ोर थी और भारत में कोई एक राजनीतिक सत्ता काम नहीं कर रही थी। सारे राजा आपस में वर्चस्व के लिए लड़ते रहते थे। पानीपत के पहले युद्ध से संबंधित खास बातें ये थी कि यह भारत पर बाबर का 5वां आक्रमण था और पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी ने आत्मसमर्पण कर दिया। आलम खां लोधी ने भी बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अब बाबर दिल्ली की तरफ बढ़ चला। इब्राहिम लोधी की सेना बाबर की सेना से बड़ी थी। इब्राहिम लोधी की सेना में हाथी भी थे, लेकिन युद्ध के दौरान इब्राहिम लोधी हाथियों का उपयोग नहीं कर सका। बाबर का मुकाबला करने के लिए इब्राहिम लोधी अपनी सेना के साथ पंजाब की ओर बढ़ा। इस कड़ी में दोनों पक्षों की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने हो गईं। इब्राहिम लोधी की सेना बाबर की सेना से बड़ी थी। इब्राहिम लोधी की सेना में हाथी भी थे, लेकिन युद्ध के दौरान वह हाथियों का सही उपयोग नहीं कर सका। ये उसकी हार के एक प्रमुख कारणों में रहा। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को बुरी तरह से हरा दिया। पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की जो जीत के कारण थे, अगर उनको देखें तो बाबर की युद्ध नीति बहुत स्पष्ट थी। वो तुलगुमा पद्धति से युद्ध लड़ता था। इस पद्धति के अंतर्गत सेना के दाएं और बाएं छोर पर पीछे हटने में सक्षम होती थी। दोनों छोर पर खड़ी सैन्य टुकड़ियां शत्रु सेना को अचानक पीछे से घेर लेती थी और उस पर हमला करती थी। बाबर ने तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का इस्तेमाल किया था। उस्मानी विधि को रूमी विधि भी कहा जाता है। बाबर की सेना में उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नाम के दो उस्मानी तोपची भी मौजूद थे। बाबर का कुशल सैन्य नेतृत्व, उसका तोपखाना बाबर की जीत का एक मुख्य कारण था। पानीपत के पहले युद्ध के बाद बाबर ने कहा कि काबुल की गरीबी अब और नहीं, इससे दिल्ली सल्तनत का खात्मा और मुगल वंश की स्थापना हुई और यह वंश आगे लगभग 250 वर्षों तक भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बना रहा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र हुमायूं मुगल शासक बना। 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करके भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी के एक विक्रेता हेमू ने अपनी योग्यता के दम पर अफगान शासक में हिस्सा पा लिया और हेमू की सैन्य और कूटनीतिक प्रतिभा से प्रभावित होकर मोहम्मद आदिल शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त कर दिया। इसी हेमू ने पानीपत के दूसरे युद्ध में अफगानों का नेतृत्व किया था। जब 1555 में अफगानों का साम्राज्य बेहद कमज़ोर हो गया, तब हुमायूं ने इस पर दोबारा कब्जा कर लिया। इसी बीच हुमायूं की मृत्यु हो गई और अपनी मृत्यु से पूर्व उसने अपने बेटे अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बैरम खान को अकबर का संरक्षक घोषित कर दिया। पानीपत के दूसरे युद्ध में 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ और 1530 में बाबर की मौत हो गई। उसका बेटा हुमायूं मुगल शासक बना। 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध में, कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और उसे भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस बीच हरियाणा के रेवाड़ी का एक नमक विक्रेता
हेमू अपनी योग्यता के दम पर अफगान शासन का हिस्सा बन गया। हेमू की सैन्य और कूटनीतिक प्रतिभा से प्रभावित होकर मोहम्मद आदिल शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त कर दिया। इसी हेमू ने पानीपत के दूसरे युद्ध में अफगानों का नेतृत्व किया था। जब 1555 में अफगानों का साम्राज्य बेहद कमजोर हो गया तो हुमायूं ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। इस बीच हुमायूं की मौत हो गई और उसने मौत से पहले अपने बेटे अकबर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और बैरम खान को संरक्षक नियुक्त कर दिया। पानीपत के दूसरे युद्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अकबर की ओर से बैरम खान ने नेतृत्व किया, जबकि अकबर अपने राज्याभिषेक के दौरान पंजाब में था, तो हेमू ने ग्वालियर और आगरा को जीतते हुए दिल्ली पर अधिकार कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 5 नवंबर 1556 को दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ। दुर्भाग्यवश हाथी पर बैठे हुए हेमू की आंख में एक तीर लग गया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद मुगलों ने हेमू को गिरफ्तार कर मार दिया। इसी के साथ मुगलों का भारत में निर्विरोध शासन स्थापित हो गया और 250 वर्षों तक मुगल भारत में राज करते रहे। पानीपत के दूसरे युद्ध के दौरान अफगान सेनापति हेमू के साथ घटी दुर्घटना के बारे में एक विद्वान डॉक्टर आरपी त्रिपाठी लिखते हैं कि इस युद्ध ने में हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी और अकबर को मिली विजय एक दैवीय संयोग थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई भी यहीं हुई और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। औरंगजेब की मौत के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी। मुगल बादशाह अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते रहे, लेकिन वे मुगल अमीरों की कठपुतली बनकर रह गए थे। ऐसे में मराठे दिल्ली पर कब्जा करने का ख्वाब देखने लगे थे, लेकिन आखिरकार उन्हें अहमद शाह अब्दाली की ओर से चुनौती मिली। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध में मराठों को हार का सामना करना पड़ा था। पानीपत के तीसरे युद्ध का स्मृति स्तंभ यहाँ लगा है, काला अंब पार्क में। पानीपत का भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान पर 3 युद्ध लड़े गए जिन्होंने भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दूसरे युद्ध में जो 1556 ईस्वी में हुआ, मुगल शासक अकबर और आदिल शाह सूरी के बीच के मंत्री हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें बैरम खां के सहयोग से मुगल सेना ने हेमू को पराजित किया। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, जो कि दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था, उसके और मराठों के बीच लड़ा गया। मराठों ने सदाशिव राव भाऊ और विश्वेश्वर राव पेशवा के नेतृत्व में अत्यंत बहादुरी से युद्ध लड़ा, किंतु स्थानीय शासकों का सहयोग न मिल पाने के कारण मराठों को हार का सामना करना पड़ा। पानीपत के तीसरे युद्ध के महानायक सदाशिव राव भाऊ युद्ध में घायल होकर वीरगति को प्राप्त हुए। स्थानीय किंवदंती के अनुसार सदाशिव राव भाऊ और अन्य मराठों के रक्त से इस स्थल पर आम का वृक्ष काला पड़ गया था, जिस कारण इस स्थल का नाम काला अंब पड़ा। पानीपत के तीसरे युद्ध की स्मृति में इस स्थल पर एक स्मृति स्तंभ की स्थापना की गई। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार द्वारा दिनांक 27/3/1919 को अधिसूचना संख्या 8516 द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया। ये यहाँ इतिहास अंग्रेजी में लिखा गया है और यहाँ वो ये जो स्मारक है ये उस जगह बना है जहाँ पर वो आम का पेड़ था जो मराठों के रक्त से उस समय काला पड़ गया था, और ये यहाँ पर एक पिलर अब बनाया गया और इस पर लिखा है, दिस पिलर मार्क्स द साइट ऑफ द ब्लैक मैंगो ट्री नियर विच वाज फोर्ट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यहाँ इतना भीषण युद्ध हुआ कि मराठों के रक्त से ये जो आम का पेड़ है ये उस वक्त इसका रंग बदल गया। पानीपत के तीसरे युद्ध की कई महत्वपूर्ण बातें थी। पहला, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने बेटे विश्वासराव भाऊ के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना संगठित की थी और अब्दाली से युद्ध करने के लिए उसको भेजा था, लेकिन वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाऊ को बनाया गया। सदाशिव राव भाऊ ने उत्तर भारत के
विभिन्न शासकों से मदद मांगी, लेकिन उत्तर भारत का कोई भी शासक मराठों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जबकि अहमद शाह अब्दाली को रुहेला सरदार नजीबुद्दौला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला का सहयोग प्राप्त हुआ। मराठा सेना की तरफ से इब्राहिम खान गार्दी मराठा तोपखाने का नेतृत्व कर रहा था। 17 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें अब्दाली की सेना मराठा सेना से बड़ी थी। युद्ध में मराठे हार गए और अपने बहुत सारे योग्य सैनिक और सरदार उन्हें खोने पड़े। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार के कई महत्वपूर्ण कारण थे, जिनमें एक था सदाशिवराव भाऊ की कूटनीतिक अयोग्यता। मराठा सेना के साथ महिलाएं और बच्चे भी युद्धभूमि में पहुंच गए थे। मराठों ने राजपूतों के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करके उन्हें अपना शत्रु बना लिया था। मराठा सेना गुरिल्ला पद्धति से युद्ध में निपुण थी, लेकिन इस युद्ध में गुरिल्ला पद्धति इस्तेमाल नहीं की जा सकी। मराठा सेना की तोपखाने पर बहुत निर्भरता थी और अब्दाली के पास कुशल घुड़सवार सेना थी। पानीपत के तीसरे युद्ध का परिणाम ये हुआ कि मराठों की उत्तर भारत में जो प्रगति थी, जो साम्राज्य विस्तार था, वो रुक गया। उनका अखिल भारतीय मराठा साम्राज्य का सपना खंडित हो गया और उनके बहुत सारे योग्य बहादुर मराठा सैनिक मारे गए। मराठों की कमजोरी उजागर हो गई और औपनिवेशिक शासन का मार्ग प्रशस्त हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं इस युद्ध की कुछ तस्वीरें जो हैं यहाँ पर, ये कलाकृतियाँ बनाई गई हैं और इसमें दोनों सेनाओं को युद्ध करते हुए दिखाया गया है। एक तरफ मराठा सेना है तो एक तरफ अहमद शाह अब्दाली की सेना है, और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने किस तरह से इस युद्ध में मराठों को परास्त किया, उसको आप इन विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं, इन कलाकृतियों के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो पूरा पार्क है, इसको ये वही जगह है इस पार्क के अंदर, पानीपत के अंदर, जहां पर तीनों महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी गई। तो इसके विजुअल्स मैं आपको एक बार पूरा दिखाना चाहूँगा, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही नहीं, सियासत के दृष्टिकोण से भी पानीपत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है। पानीपत में इस समय जो चुनाव चल रहा है, उसमें बहुत सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में है। इनके बीच कुछ निर्दलीय अपनी उपस्थिति बनाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, और इनके अलावा और कई छोटे घटक दल, दुष्यंत चौटाला की पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी, जिनका आपस में गठबंधन है, वो कोशिशों में जुटे हैं। दूसरी तरफ अभय चौटाला और गोपाल कांडा साथ आ गए हैं, तो वो जुटे हैं अपनी तैयारियों में, उनका बीएसपी से गठबंधन है। ये देखिए यहाँ भी वही कलाकृतियाँ हैं, जिसमें सैनिक, दोनों तरफ की सेनाओं के सैनिक हाथियों और घोड़ों पर सवार हैं। ये आप देख सकते हैं, ये घोड़ों पर सवार सैनिक हैं, और ये इस तरफ आप देख सकते हैं, ये यहाँ हाथियों का इस्तेमाल भी किया गया इस युद्ध में, और धनुष बाण भाले तीर तलवार इनके हाथों में दिखाई दे रहे हैं दोनों तरफ की सेनाओं के। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये एग्जैक्ट वही लोकेशन है जहाँ पर ये ऐतिहासिक युद्ध हुआ। और भारत के मध्यकालीन इतिहास पर जब हम नज़र डालते हैं, तो बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से हमें मिलते हैं।